हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल क्लासेस। आज हम लोग क्लास टेंथ एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन है कि आकृति में, जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र ओ वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा एंगल एओसी इक्वल टू 40 डिग्री है और पाई का वैल्यू 22/7 का प्रयोग करना है। तो जैसा कि ये पार्ट जो पेंट है, ये छायांकित भाग है, इसे फाइंड करना है, इसका क्षेत्रफल मुझे निकालना है। दो संकेंद्रीय वृत्त है। संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है कि एक वृत्त के अंदर जो वृत्त बना होता है उसे ही कहते हैं। तो जैसा कि एक का रेडियस दे रखा है ये 7 सेंटीमीटर और एक का दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो जो 14 सेंटीमीटर दे रखा है वो बड़े वृत्त का रेडियस है और छोटे वृत्त का क्या है 7 सेंटीमीटर है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या को हम बड़ा आर ले लेते हैं और छोटे वृत्त की त्रिज्या को हम छोटा आर ले लेते हैं। तो लिखेंगे रेडियस दे रखा है बड़े वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे दो, एक छोटे वृत्त का भी त्रिज्यखंड बन रहा है और एक बड़े वृत्त का त्रिज्यखंड बन रहा है, ठीक है। तो कर हम क्या करेंगे कि बड़े वृत्त का त्रिज्यखंड में से छोटे वृत्त के त्रिज्यखंड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा और मुझे यही फाइंड करना है। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहां पे क्या लगाएंगे, बड़े वृत्त का त्रिज्यखंड। तो लिखेंगे बड़े वृत्त का त्रिज्यखंड माइनस कर देंगे छोटे वृत्त का त्रिज्यखंड। तो देखा जाए फॉर्मूला होता है पाई, बड़े वृत्त के लिए आर बड़ा है तो लिखेंगे आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री, फिर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। अगर देखा जाए तो कॉमन क्या क्या है, कॉमन पाई पाई दोनों में है, थीटा बाय 360 दोनों में है, तो हम क्या करेंगे दोनों को कॉमन ले लेंगे, लेकिन आर सेम नहीं है, आर एक बड़ा है और एक छोटा है इसलिए आर कॉमन नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे पाई थीटा बाय 360 डिग्री क्या कर लिए हम, कॉमन ले लिए। इसके बाद मेरे पास क्या बचा, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ये बचा। अब पाई का वैल्यू क्या है 22/7 लेना है, थीटा क्या है 40 डिग्री है और बाय 360 डिग्री। बड़े आर की बात किया जाए तो 14 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस छोटा आर 7 का स्क्वायर, ये होगा। देखिए यहां पे कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 49 जा मेरे पास क्या आ गया 22/7 इंटू 9, ठीक है। इसके बाद 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 और माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। इसके बाद लिखेंगे 22/7 इंटू 9, फिर यहां पे कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन होता है तो लिखेंगे मल्टीप्लाई, दोनों को माइनस कर देंगे और जब दोनों को माइनस कर देंगे तो 147 आ जाएगा, ठीक है। 7 से इसको कट कर देंगे तो 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7, फिर 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। तो 22 को क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई और बाय में क्या होगा 3, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया हो तो दिल से लाइक करें, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नए वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय, थैंक यू।